ये थी कि आपके इतना सारी अगर गाड़ियां जाएंगे तो बहुत दिक्कतें होंगी ट्रैफिक को, तो हमने है तो गाड़ियों को है तो कुछ अलग अलग ग्रुप के अंदर भेज दिया है, कुछ रात में चले गए हैं, कुछ अभी चले गए हैं, लेकिन जितनी गाड़ियां तय थी उतनी गाड़ियां हमारी जा रही हैं। कुछ अख्यात है क्या आपको रास्ते में रखना हो सकता है, क्योंकि मतलब मुझे हमको रास्ते में पता चला है कि यही राजनीतिक पार्टियां जो है पुलिस के ऊपर दबाव डालकर हमारी इस रैली को रोकने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन हम जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से पूरे डिसिप्लिन के साथ। आज 11 दिसंबर की जो रिजर्वेशन के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन और जो वक्त की ज़मीनें उसके लिए मजलिस त्यागुल मुस्लिमीन की जानिब से बॉम्बे में जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसकी तैयारी मालेगांव में भरपूर तरीके से की गई थी, लेकिन देखने में ये आया है कि कल से पुलिस प्रशासन ने जो है मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान को जो है अपने तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की और परेशान करने की कोशिश की है, और कहीं भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स और कार्यकर्ताओं को और ऐसे लोगों को जो 5% मुस्लिम रिजर्वेशन के हक़ में है और वक्फ की जो अर्जियात है उनके तहफ़ के हक़ में है, ऐसे लोगों को एक जगह पुलिस ने होने नहीं दिया। कल शाम से लेकर आज सुबह तक के
पुलिस प्रशासन ने हमको रोके रखा और आज सुबह मुझे यहाँ पर डिटेन कर लिया गया। मैं मेरे साथियों के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था फारूक शाह साहब की कयादत में। ये जो है हमारा काफिला बम्बई पहुँचने वाला था, तो सुबह 9 बजे से पुलिस ने जो है मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान को यहाँ पर डिटेन कर लिया। हमारे साथ जलगांव के भी जिम्मेदार थे, हमारे साथ भड़गांव के भी जिम्मेदार थे। हम तमाम लोगों को यहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया है। अब आगे का जो भी काफिला है वो आमदार फारूक शाह साहब की कयादत में यहाँ से बम्बई के लिए रवाना होगा। मुस्लिम समुदायाला 5% आरक्षण मिळाला पाहिजे व आमची जे वक्फ बोर्डची जी जमिनी आहे ते आमच्या ताब्यात दिली गेली पाहिजे। ह्या प्रमुख 2 मागण्यांसाठी आमचे बॅरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब यांच्या आदेशानुसार मुंबईत एक जनसभा होणार होती, त्यासाठी संपूर्ण राज्यभरातून कार्यकर्ते जाणार होते आणि आज इथे मालेगावचे पोलिसांनी आमचे जे नॉर्थ महाराष्ट्राचे जे अध्यक्ष आहे डॉक्टर खालिद परवेज यांना डिटेन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, पण त्यांचा प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू। चलो बस अरे कोण म्हणता देणार नाही। पेज पैसे लिंक उडा लाईक दार शेअर करतो मुस्लिम रिजर्वेशन एक रहेंगे, मुस्लिम रिजर्वेशन एक रहेंगे, मुस्लिम रिजर्वेशन एक रहेंगे, वक्फ की जमीन लेके रहेंगे, वक्फ की जमीन लेके रहेंगे। डॉक्टर फारूक शाह आगे बढ़ो, आमदार साहेब आगे बढ़ो, आमदार साहेब आगे बढ़ो, डॉक्टर खालिद साहेब आगे बढ़ो, डॉक्टर खालिद साहेब आगे बढ़ो। आप देखो